और जो सभी सामने भावी प्रशासक लोग बैठे हैं, बहुत सारी बातें हुई इस बीच में, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अक्षय ने भी एक बात बोली कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और जोड़ देते हैं, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क ऐसा कि हमें एग्जाम के लिए जरूरी होता है कि हमें क्या आना चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए यह भी जरूरी होता है कि हमें क्या छोड़ना चाहिए। तो ज्यादा जरूरी यह है कि भाई हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी बुक उठाते हो तो उस बुक्स में इतना सारा मटेरियल होता है कि यहां पर समझ में नहीं आता है कितना पढ़ना कितना छोड़ना। तो बात इतनी सी है कि अगर हम स्मार्ट वर्क है तो गाइडेंस में यह पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, लेकिन जितना बताया गया है उसे हार्ड वर्क करके आपको यहां पर उसे अच्छे से याद भी कर लेना चाहिए और उसके आधार पर अपना कहना चाहिए ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए। एक जनरल चीज, यहां पर एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिद भी करना चाहिए, चुनौती को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये कहते हैं ना कि अपने जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में आप जब भी कभी किसी से बात करोगे तो हमेशा कहानियों के माध्यम से ही आपको बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी। एक जनरल सी छोटी सी कहानी और भी है कि आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए वाली, सुनी है सभी ने। और लास्ट में आपने ये भी सुना होगा कि उसमें कहा गया है कि भाई जो कछुआ होता है खरगोश को हरा देता है। हरा क्यों देता है? क्योंकि यहां पर खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और वो सोचता है कि ठीक है, जब तक कछुआ आएगा तब तक हम तो पार कर जाएंगे, ठीक है थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं इस। लेकिन कछुआ निरंतर चलता है। तो इससे सीख जनरली क्या मिलती है कि भले धीरे चलें लेकिन निरंतर चलें, सफलता होगी। इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहां पर जैसे ही खरगोश हारा तो खरगोश ने हारने के बाद उसको महसूस हुआ कि जंगल में तो मेरी बेइज्जती हो गई, कि यहां पर जो कछुआ था इतना धीमा चलने वाला तो मुझे हरा के चला गया। उसको लगा कि नहीं, इस बार मैं कछुए को हराने का प्रयास करूंगा। और इस बार वो कछुए के पास गया और कछुए से कहता है कि यार एक काम करते हैं, एक बार फिर से रेस लगाएंगे अपन। अब कछुआ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में तो था ही कि ठीक है, एक बार तो हरा ही चुका हूं, दूसरी बार और सही। तो वो कहता है ठीक है, अपन रेस लगाएंगे। इस बार दोनों की रेस फिर से स्टार्ट होती है और रेस स्टार्ट होती है और दोनों फिर रेस लगाते हैं। लेकिन इस बार खरगोश पहले जैसी गलती नहीं करता, अर्थात बीच में सोने की गलती नहीं करता, निरंतर भागता है और बड़े मार्जिन से हरा देता है। जब इतने बड़े मार्जिन से हरा देता है तो जनरल एक सीख ये भी मिलती है कि तेज चलें और निरंतर चलें, तो धीमे चलने वाले और निरंतर चलने वाले को भी हम हरा सकते हैं। तो उसने ये काम भी किया। अब यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब और आगे बढ़े तो अब कछुए को बेइज्जती महसूस हो गई कि मतलब मैंने एक बार हरा चुका, दूसरी बार हार गया तो सब लोग क्या कहेंगे। तो उसने सोचा नहीं, इस बार मैं फिर से कछुए से खरगोश से रेस लगाऊंगा। वापस खरगोश के पास पहुंचा और खरगोश से कहता है भाई एक काम करते हैं, अपन फिर से रेस लगाएंगे। इस बार खरगोश बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कि ठीक है यहां पर रेस लगाते, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। तो उसने कहा कछुए से ठीक है अपन रेस लगाते हैं। लेकिन कछुए ने इस बार थोड़ी चालाकी कर ली। कछुआ बोला ठीक है रेस लगाएंगे, लेकिन रास्ता मेरा होगा, मैं जिस रास्ते से बोलूंगा उस रास्ते पर रेस लगाऊंगा। खरगोश ने कहा कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है उससे। यहां पर रेस स्टार्ट हुई, कछुआ एकदम तेज भागा और तेज उस रास्ते पर भागता भागता गया, लेकिन आगे जाके उसे नदी मिल गई। जैसे ही नदी मिली तो अब नदी में क्या करे वो, लेकिन कछुआ धीमे धीमे आया और आके नदी में गया और नदी पार करके रेस जीत गया। जैसे ही रेस जीत गया कछुआ हार गया। तो यहां पर कछुए ने यहां पर अपनी बात रखी और खरगोश ने उसको एक्सेप्ट के लिए, उसके पीछे रीजन क्या है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस था ही, लेकिन अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया। शायद वो शायद अपनी शक्ति को पहचान लेता और कछुए से कहता ठीक है रास्ता तुम्हारा होगा, लेकिन उस रास्ते में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों एक चीज समझ गए थे कि रेस कोई भी हो, ना अकेले दम पर मैं जीत सकता हूं, ना अकेले दम पर ये जीत सकता है। इस बार खरगोश और कछुआ दोनों बोले चलो एक काम करते हैं, हम दोनों रेस लगाते हैं। दोनों रेस लगाने की जैसे ही स्टार्ट किया तो खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठाया और रेस लगाना शुरू किया। और यहां पर जैसे ही नदी आई तो खरगोश ने यहां पर कछुए को नीचे उतारा। अब की बार कछुए की बारी थी तो कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बिठाया और नदी पार की, और इस प्रकार से दोनों रेस जीत गए। लास्ट यही है कि रेस दोनों कर रहे हैं, स्टूडेंट भी रेस लगा रहा है, सारी चीजें कर रहा है,
दूसरे भी रेस लगाते जा रहे हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि अगर सही समय पर सही गाइडेंस ना मिले तो शायद रेस अधूरी रह जाती है और बहुत सारे बच्चे यहां पर बीच में ही एग्जाम छोड़कर चले भी जाते हैं, या तो कह सकते हैं कि उनकी तैयारी में कमी है, या सही गाइडेंस नहीं मिला उनको, या फिर उनकी जो जिद थी वो बहुत थोड़ी सी कम पड़ गई। सबकी कहानियां सुनते हैं हम, बहुत सारे लोग कहानियां बताते हैं, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरियां भी हैं। अभी चाहे हम अर्पण की सक्सेस स्टोरी की बात करें, चाहे आशुतोष की सक्सेस स्टोरी की बात करें, अक्षय की, हमने सबकी सक्सेस स्टोरी की बात की, लेकिन सभी की सक्सेस स्टोरी में एक चीज कॉमन थी कि इन्होंने जिस जिद को किया उसको कभी छोड़ा नहीं। और हमारी इस स्टोरी में जब हम असफल हो जाते हैं तो बात तो ये होती है कि जिद तो होता है लेकिन जुनून नहीं होता। जिद कर ली कि ठीक है इस बार हमें एग्जाम अपियर होना है, लेकिन जो जुनून है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो यहां पर जिद और जुनून जब दोनों साथ साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलती है। यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहता है कि यहां पर कोई व्यक्ति अपने कहना चाहिए कि उम्मीदों को आधार बनाए और चले और उसे सक्सेस ना मिले। इस समय पर अभी बहुत जनरली क्लास में हम अपने एक स्टोरी बताते हैं और जनरली मोटिवेशनल स्टोरी भी है, बहुत सारे स्टोरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति की स्टोरी हमें थोड़ा सा ऐसी लगी से डिफरेंट है, आपके साथ शेयर करें। एक व्यक्ति का अगर आपने नाम सुना हो, 2015 में योगी राज, 2015 का सिलेक्टेड व्यक्ति भी है, उसकी अगर आप स्टोरी देखेंगे तो उसका आज की डेट में हरियाणा राज्य ने 8वीं क्लास में उसकी स्टोरी को बुक्स में मेंशन की है, बच्चे पढ़े उसको। तो उसका कहना यह था कि जब उसकी स्टोरी देखी कि जब वो मुश्किल से 3 साल या 4 साल का था तो उसके घर में आग लगी। उसके घर में आग लगने के कारण यहां पर हुआ कि वो लगभग 35% जल गया। जल गया, जलने के बाद ये हुआ कि ठीक है बड़ा हुआ थोड़ा सा पढ़ने गया स्कूल, स्कूल जब पढ़ने गया तो लगभग 75% उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। उसके पिताजी के पास इतने पेमेंट भी नहीं था कि अपने बच्चे को यहां पर सही हालत में स्कूल भी भेजे, यहां तक पैसा नहीं था कि जूते भी उसको पहना के भेजे। इसलिए वो क्या कहता था कि मैं गीली मिट्टी को पैर में लगाता हूं, पैर में लगाने के बाद ही स्कूल जाता था जिससे कि यहां पर मेरे पैरों में यहां पर धूप ना लगे, यानी जो तेज होता है वो ना लगे, तो ऐसे स्कूल जाता। लेकिन स्कूल में भी वही सारी चीजें कि सोचो जो 75% देख ना पा रहा हो और 35% जल गया हो, उसके पास बैठने तक की इच्छा नहीं होती लोगों की। तो उसका भी कहना वही था कि बच्चे मेरे साथ में बैठना पसंद ही नहीं करते थे, मेरे लिए अलग अलग प्रकार की बातें किया करते थे, अलग अलग टॉन्ट लगाया करते थे, कई बार तो ऐसी इच्छा हुई कि स्कूल ही छोड़ दूं, लेकिन फिर भी कहता कंटिन्यू रहा। पिताजी ने बोला कि नहीं स्कूल तो जाना है। इसके बाद जैसे ही 10वीं क्लास में पहुंचा तो 10वीं क्लास पास ही की थी कि उसके पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी की जैसे ही डेथ हुई तो अब समस्या क्या है कि उसके 3 भाई और 2 बहनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर। अब जब उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई तो उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने पढ़ाई छोड़ी और पढ़ाई छोड़ने के बाद दिल्ली चला गया और दिल्ली में राइस मिल में उसने पल्लेदारी का काम किया। पल्लेदारी कहे कि हमालदारी, बोरियां उठा के ट्रक में भरना, ये उसने काम किया और ये लगभग 4 साल उसने काम किया। और 4 साल काम करने के बाद उसको एक चीज महसूस हो गई कि मैं ये काम करते करते ना तो अपने परिवार की स्थिति बदल सकता हूं और ना अपनी स्थिति बदल सकता हूं। ये तभी हो सकता है जब मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करूं, किसी अच्छे जॉब में जाऊं, तो ही मेरी परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। और इसीलिए उसने फिर से प्राइवेट 12th भी किया, ग्रेजुएशन भी किया। रीजन उसका इतना ही सा था कि अगर वो रेगुलर होता तो शायद पल्लेदारी करके अपने घर का खर्च नहीं चला सकता था। तो उसने सारे काम किया और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसने पीपीएससी दी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन दिया, फेल हुआ, दूसरी बार दिया, तीसरी बार में वो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया। और उस समय पर चूंकि वो कहना चाहिए ब्लाइंड था, और ब्लाइंड मतलब कहना 75% उसकी आंखों से दिख नहीं रहा था, इसलिए उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिला। किस चीज का? कि वो यहां पर दिव्यांग लोगों की श्रेणी में जाके एग्जाम दी। लेकिन वो उसने 36-37 साल की उम्र में उसने एग्जाम को यूपीएससी को क्रैक किया। ये जितने भी ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाते हैं सिर्फ इनके पास में एक ही चीज है कि वो है जिद, कि हमें करना है तो उसमें समस्याएं कोई भी हो उन समस्याओं को यहां पर हमें अपनी असफलता का यहां आधार नहीं बनाना है, हमें अपनी सफलता के लिए हमें यहां पर लगातार मेहनत करना है, हमें अपनी असफलताओं के लिए हमें दूसरों का कंधा नहीं खोजना है कि हम दूसरों के कंधे खोजें कि हम अपनी असफलताएं बताएं और वो व्यक्ति आपको यहां पर सांत्वना दे कि बिल्कुल सही है, भगवान ने आपके साथ बहुत बेकार किया।
जबकि ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि सफलताएं कैसे मिले। तो इतनी सारी सफलताएं असफलताएं जो सारी चीजें चलती हैं, और हर व्यक्ति अपनी एक नई स्टोरी बनाता है, हर व्यक्ति उस कहानी के साथ आगे बढ़ता है और अपनी कहानी को पूरा भी करता है। हाँ, कहानियां दूसरों की सुनते हैं और दूसरों की कहानियां सुनकर उससे सीख लेते हैं, और सीख क्या लेते हैं कि हमें किस काम को करने से बेनिफिट हो सकता है और किस काम को ना करने से हमें नुकसान नहीं हो सकता। बस इतना सा अगर आप चीज समझ लें, और सफलता यदि आप साथ साथ लेना चाहते हैं तो एक सही गाइडेंस, जो आप बार बार बात करते हैं, एक सही मार्गदर्शन का होना चाहिए। और एक आज अपने बीच में रूबरू होने का सबसे बड़ा जो आधार है वो इतना ही सा है कि आपको एक सही मार्गदर्शन दिया जाए, और सही मार्गदर्शन के साथ आप 10th के बाद में चूंकि आपकी चुनौती स्टार्ट हो जाती है कि आपको अब आगे जाके करना क्या है। तो इसमें कौटिल्य एकेडमी के माध्यम से जो प्रयास किए गए, और संभवतः हम अपने प्रयासों में बहुत हद तक आपको आपके मार्गदर्शन के करीब ले जाने में सफल भी हुए हों, और सभी लोगों को भविष्य के लिए, सभी लोगों को 10th और 12th में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू मिश्रा सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप और सिद्धांत सर वो हैं जिन्होंने कौटिल्य एकेडमी को इस मकाम पर पहुंचाया है, और कौटिल्य एकेडमी के जरिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके मकाम तक पहुंचाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर श्योर, मिस्टर सिद्धांत जोशी जी।